बहुत बाकी है, बहुत मजबूत से हम लोगों ने लड़ाई। यहाँ के लोग के लिए वो हमेशा लोगों के सुख दुख में रहता था। विधायक नहीं बनने के बाद भी वो हमेशा लोगों से जुड़ा रहता था, जिसके कारण गत चुनाव में 45,000 लोगों ने उनको वोट दिया। तो आशू के साथ मैंने कि अगले बार पार्टी का गठबंधन नहीं था, इस बार तो NDA हम लोग मिलकर चुनाव लड़े और उसमें 1,06,000 वोट लाए। बिल्कुल आप सर कह रहे थे NDA मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन मधुपुर विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, हार जीत की फैसला हो, BJP की शिकस्त हुई है मधुपुर विधानसभा चुनाव में। लगातार तीन विधानसभा चुनाव में BJP की शिकस्त हेमंत सरकार ने, बाबूलाल मरांडी जी के विधायक दल नेता बनने बाद उनके साख पे सवाल खाया है। सर तीन विधानसभा चुनाव लगातार हार, मधुपुर विधानसभा कहाँ चुकी, लगातार पूरे BJP मधुपुर में कैंपेन करे थे, प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर को लेकर। मधुपुर का उपचुनाव जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ लड़ा और परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन परिणाम इस कदर आया कि हम 1,06,000 वोट लाने में कामयाब। और पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बहुत मजबूती से हम लोगों ने लड़ा और वातावरण भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में था, लेकिन चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है। हम मजबूती से चुनाव लड़े इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पहली बार अगर 1,06,000 वोट आता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। रही बात कहाँ चूक हुई, इसकी समीक्षा पार्टी अपने स्तर से करेगी, क्योंकि चुनाव में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी थे, संगठन महामंत्री भी थे, महामंत्री भी थे और कई विधायक भी थे। सबका लोगों तक जाना हुआ, लोगों के चेहरे पर खुशी का भाव था। सारे लोग कहते थे कि उसके पहले भी दुमका या बेरमो में चुनाव हुआ है तो NDA गठबंधन के तहत ही चुनाव हुआ। इस मधुपुर उपचुनाव में भी NDA गठबंधन के तहत ही चुनाव हुआ था। आशू ने अपने कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। अब रही बात बंगाल का चुनाव था, बड़े नेता वहाँ फंसे हुए थे, इस कारण यहाँ मने कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महतो जी का आना नहीं हुआ, लेकिन प्रत्याशी से हम लोगों की जब भी बात होती थी तो वो कहते थे कि उनके संपर्क में हैं और हम लोग उम्मीद किए थे कि वो आएंगे, किसी कारण नहीं आए, लेकिन NDA ने चुनाव लड़ा और मजबूती से लड़ा और हम लोग जीत के करीब आके भी जीत नहीं पाए। चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, इसमें अलग बात है, लेकिन हमने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाया। और मधुपुर में यहाँ की सरकार ने पहले एक प्रयोग किया था कि बिना विधायक बने हुए हफीजुल अंसारी को मंत्री बना दिया था। अब लोगों के दिमाग में ये भी बात गई होगी कि एक तरफ मंत्री है, सरकार है, एक तरफ विधायक को चुनना है, तो लोगों ने सोचा होगा कि सरकार है, ये है, वो है, तो कुछ मतों से भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। और जब हार हो गई तो निश्चित रूप से ये हार है। हफीजुल अंसारी को मैं बधाई भी दिया, आज भी दे रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, लेकिन वक्त आएगा, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और सेवा ही संगठन है। हम इस वैश्विक महामारी में भी अपने कार्यकर्ताओं से इतना कहना चाहेंगे कि सब जिला सिकवा फूल के जो वैश्विक आपदा आ पड़ी है उसमें हम लोग काम करने के लिए निकले, लोगों को राहत पहुंचाएं और वक्त आएगा फिर चुनाव होगा, जो सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हम जीतेंगे। मान मरंडी जी के पीछे क्यों पड़े हैं, अब एक साधारण उपचुनाव जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री से एक सप्ताह यहाँ है, तो उनको किस किनका भय था, उनको तो बाबूलाल जी का भय था ना, इसलिए वो आज भी बाबूलाल जी से भय खाए। और बाबूलाल जी का प्रभाव नहीं है सो बात नहीं, आज भी बाबूलाल जी का प्रभाव पूरे झारखंड प्रदेश में है और बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, झारखंड प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं। रही बात यदि मुख्यमंत्री को डर नहीं था
तो बताइए, एक छोटे से चुनाव के लिए 7 दिन तक कैंपेन करना, अपने आप में सोचिए उनके अंदर कितना डर था बाबूलाल जी का। इसलिए बाबूलाल जी की साख गिरी नहीं है, बाबूलाल जी नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। देखिए, जिसको हिंदू हिंदू कुछ से कोई मतलब नहीं है, वीर खान अंसारी का विषय जो भी हो मंदिर प्रवेश करने का, क्योंकि उसने भी हमने कहा कि नहीं, इरफान अंसारी ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाया है, उसे मंदिर बाबा तो सबके हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम अल्लाह को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं। लोग अपने अनुसार अपने धर्म के अनुसार चले, ये अच्छी बात है। लेकिन रही ये बात हफीजुल का ऐसा बयान आना, तो हफीजुल ने कौन सा कारनामा करके दिखाया? 6 महीना तक वो रहे मैंने कि यहाँ के मंत्री, एक अच्छा काम बता दीजिए, एक अच्छा काम बता दीजिए कहीं। वो तो मारकाट पर उतर आए, आज भी मधुपुर में देखिए लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, कहीं बंगाल का दूसरा पार्ट आने वाले समय में मधुपुर बन ना जाए, इसका हम लोगों को डर है। इसलिए आज भी वहाँ की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन एकरूपता बनाए रखिए, अपने आप को एक रखिए। जैसे वो एक है, वैसे अगर हम एक हो जाएंगे तो हमारा हिंदुस्तान रहेगा, हमारा मधुपुर। सोशल मीडिया पर जितने लोगों का जो भी आ रहा है उस पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन उन लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले खुद मुझे कोरोना आ गया और हम मेडिका में एडमिट थे। मेडिका में एडमिट होने के बाद भी यहाँ जब हमको आराम नहीं मिला तो यहाँ के डॉक्टरों ने रेफर किया चेन्नई ओपन, फिर वहाँ 7 दिन एडमिट हुए। तो डॉक्टरों का कहना है कि अभी 1-1.5 महीना आप सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी ताज़ा आपके अंदर हुआ था और कोरोना ही नहीं हुआ था बल्कि चेस्ट के अंदर में टाइफाइड हुआ था। रही बात, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगले बार भी आप लोगों ने देखा होगा, राहत पहुँचाना, सैनिटाइजर बनवाना, मास्क बनवाना, हर एक समाज के लोगों को खाद्य आपूर्ति करवाना, बढ़ चढ़ के काम हम किए। इसमें कहीं इस बार भी 35 लाख हमने दिया है, अब कल ही सूचना मिली है कि ऑक्सीजन तो लोगों को उपलब्ध हो जाता है, रेगुलेटर नहीं है, अब रेगुलेटर की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो लोग कैसे इस बीमारी से निजात पाए वो मैं कर रहा हूँ। आप जो लोग मेरे ऊपर पोस्ट कर रहा है, दो दो को मंत्री है, वो क्या कर रहे हैं? ये तो उनको मैंने कि वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे ना, कि बादल देवघर जिला का है, हफीजुल कुछ दिन पहले जीता है, वो यहाँ का मंत्री है, उन दोनों के द्वारा क्या हो? एक काम बता दूँ, हम तो इतना कर भी रहे हैं, लेकिन जिसको सुंदरता नहीं मिली वो दर्पण को दोषी कहते हैं। जितने फेसबुक के मेरे मित्र हैं वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने समाज के लिए क्या किया? अगर वो स्वस्थ मूल्यांकन करेंगे तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबसे आगे में चले। सो नहीं पाते हैं, लोगों का फोन आते रहता है, 2 बजे रात, 3 बजे रात, त्वरित गति से काम कराते हैं। और इस विषम परिस्थिति में भी देवघर के जितने भी सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, सब लोग समुचित सेवा दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लोगों का प्राण बचे इसमें लोग लगे हुए हैं, प्रशासक लगी हुई है और जिला प्रशासन भी मुस्तैदी से काम पीछे नहीं है, काम वो लोग भी कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग के भी लोग कर रहे हैं, जितने भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लोग इतना भी कर रहे हैं, देवघर शहर के समाजसेवी भी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि बीमारी एक तरह, सेवा एक तरह, और सेवा भाव से हम लोगों के बीच खड़े हैं। हम पुनः एक बार यहाँ के लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा साहस रखें, अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और इस बीमारी से निगाह। और देवघर शहर जो है वो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है और यूँ कहिए कि देश के दूसरे धार्मिक राजधानी है। यहाँ के लोग के लिए मैं इतना ही अपील करना चाहूँगा कि स्वस्थ चिंतन करें और स्वस्थ मन से इस बीमारी से निजात पाने के लिए
जितना भी यहाँ के लोग एक दूसरे को सेवा कर रहे हैं, दूसरे के लिए सोच रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला तो जैसे भी खबर आती है ऑक्सीजन उनको उपलब्ध कराया जाता है, लोगों के साथ लोग खड़े रहते हैं, लोग भी इस वैश्विक महामारी में अपने आप को लोगों के बीच रख रहे हैं, ये बड़ी बात है। हम इतना ही कहेंगे, धैर्यपूर्वक लोगों से दूरी बना के रखें, अपने ऊपर अनुशासित रहें, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बताए हुए कोरोना से निजात पाने में जो गाइडलाइन जारी किया है गया है उनके अनुसार चलें। हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम सुरक्षित रहेंगे हम कामयाब होंगे।